गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। पूर्व वाले लेक्चर में हम लोगों ने हर्मिशियन ऑपरेटर को अच्छे से समझ लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक था। कोई भी ऑपरेटर हर्मिटी ऑपरेटर होगा, उसके लिए हमने कुछ कंडीशन देखी थी कि अगर उसका डैगर उसके खुद के ऑपरेटर के मान के बराबर है तो उसको आपने क्या कहा, हर्मिशियन ऑपरेटर का। इसको आप सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी कह सकते हो, यानी हर्मिटी ऑपरेटर जो कैसा है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। उसके पश्चात हमने देखा था कि कोई ऑपरेटर हर्मिटी संकारक है या नहीं, तो उसके लिए कंडीशन थी, वो क्या थी, साई ए फाई इजिकल टू ए साई फाई। इधर उधर कैसे भी लिख सकते हो, या इसके हिसाब से देखो तो साई स्टार ए फाई डी टो इजिकल टू ए साई स्टार फाई डी टू। ठीक है ना। अब मैंने उस समय इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। तो उसके आधार पर हम लोगों ने ये भी चेक किया कि आपका जो पोजिशन ऑपरेटर है उसको हमने ये कंडीशन अप्लाई करके देखा और ये चेक किया कि ये दोनों तरफ के मान जो LHS RHS है दोनों बराबर आ रहे हैं। तब हमने क्या कह दिया, पोजिशन ऑपरेटर आपका कैसा है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। फिर हमने मोमेंटम ऑपरेटर के संदर्भ में भी इस चीज को चेक किया और वहां भी हम लोग यह प्रूफ करने में सफल रहे कि उसके लिए भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तब हमने कह दिया कि आपका मोमेंटम ऑपरेटर भी कैसा है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। और वैसे हम जानते भी हैं, जो हमारा पोस्टुलेट्स है जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, और अगर उस ऑपरेटर में हर्मिटी संकारक के गुण मौजूद हो तो वह ऑपरेटर या वो जो राशि है, जो फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी है, वो क्या कहलाती है, डायनेमिकल वेरिएबल, गतिकीय चर या ऑब्जर्वेबल। ठीक है ना। और चूंकि चाहे स्थिति सदिश हो चाहे मोमेंटम हो, मोमेंटम में आपका लीनियर मोमेंटम भी और एंगुलर मोमेंटम भी है, एनर्जी हो एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी है, ये सारे के सारे क्या है, डायनेमिकल वेरिएबल है। तो निश्चित रूप से ये सारी की सारी जो राशियां हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ऑपरेटर होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर होंगे, और हम उसको प्रूफ करके भी दिखा देंगे। तो हम लोगों ने दो प्रूफ देख लिए थे, आज दो तीन और प्रूफ देखते हैं ताकि हमारा टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। सॉरी। जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी हमारी कमांड टॉपिक पर बढ़ती चलेगी। तो चलो आज एक ऑपरेटर और देखते हैं। अगर आपके पास कोई ऑपरेटर ए इस प्रकार का हो, डी बाई डी एक्स, तो आपको यह बताना है कि क्या ये ऑपरेटर डी बाई डी एक्स हर्मिटी संकारक है या नहीं। ठीक है, तो सीधी सी बात, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, इफ वी वॉन्ट टू चेक that this operator is Hermitian or not, then we find the following. हम क्या प्राप्त करते हैं उसको आप देखिए, कैसे देखोगे, ये लीजिए आपके पास कोई दो फलन है साई फाई, तो उसके लिए अगर ये कंडीशन आपकी, ठीक है ना, इधर हो जाएगा d by dx साई और ये फाई, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तब आप क्या कह दोगे कि ये ऑपरेटर आपका कैसा है, हर्मिटी संकारक है। तो चलो शुरू करते हैं, पहले LHS लेते हैं। LHS आपका क्या है, साई d by dx ऑफ फाई ये। इसको आप कैसे लिखते हो इंटीग्रल फॉर्म में, ये लीजिए साई स्टार d by dx ऑफ फाई, फिलहाल ये ऑपरेटर है। ठीक है, और जब ये इस पर ऑपरेट होगा, ये लीजिए माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई स्टार d फाई फाई dx और dx, ये लिमिट प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट। तो वापस वही, ये आपका सेकंड फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो वो हो जाएगा सिंपली फाई लिमिट प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट माइनस ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, ये लिमिट आपकी एज इट इज। अब ये आपको पता है, आप नीचे वही वापस लाइन लिखिए, चूंकि साई तथा फाई दो सुव्यवहारित तरंग फलन है अतः अनंत पर इनके मान शून्य होंगे। ठीक है, तो शून्य होंगे तो इस पद का मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जब जीरो आ जाएगा तब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा केवल माइनस ऑफ प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट डी साई स्टार डी एक्स फाई डी एक्स। अब देखिए मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं, इस पद को आप चेक करिए, ये जो है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये माइनस तो एज इट इज है, ये प्लस इनफाइनाइट ये माइनस इनफाइनाइट,
इसको मैं इस प्रकार से लिखना चाह रहा हूं, होल स्टार लगा रहा हूं, फाई डी एक्स। आप होल स्टार खोलोगे तो किस प्रकार से होगा, याद रखिए ये दो ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर डी बाई डी एक्स और एक साई है। इसका जब स्टार खोलोगे तो इस प्रकार से होगा, डी बाई डी एक्स का भी स्टार होगा और साई का भी स्टार होगा। और आपको पता है डी बाई डी एक्स का जो स्टार है, चूंकि इसमें एक्स का ही पद है और एक्स और एक्स स्टार दोनों बराबर होते हैं, तो याद रखिए डी बाई डी एक्स का जो स्टार है वो हमेशा डी बाई डी एक्स के बराबर ही होगा। इसका स्टार डी बाई डी एक्स के बराबर ही होगा और ये साई स्टार। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी इसको आप ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, समझिए यहां केवल साई पर स्टार था, लेकिन अगर मैं इसको होल स्टार कर रहा हूं तब भी वो सेम ही है। क्यों? क्योंकि डी बाई डी एक्स पर जो स्टार है उसका मान डी बाई डी एक्स ही होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और जब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं तब देखिए आप, तब ये क्या हो गया, ये पूरा स्टार हो गया। तो ये इसको आप कैसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ साई और ये फाई, ये आपके किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर आ गया। लेकिन यह माइनस है, बराबर नहीं है, सॉरी गलत बोल दिया, यह माइनस है तो ये आर एच एस के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू आर एच एस, क्योंकि आर एच एस में माइनस नहीं आ रहा है। तो नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स इज नॉट ए हर्मिशियन ऑपरेटर, यानी डी बाई डी एक्स जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है। याद रखिए डी बाई डी एक्स हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है। इसको इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आप डी बाई डी एक्स का डैगर निकालते हो तो वो डी बाई डी एक्स के बराबर नहीं आता है, वो आता है माइनस डी बाई डी एक्स के बराबर। ये डैगर ही तो आपने किया था, माइनस डी बाई डी एक्स आता है, दोनों बराबर नहीं है। या आप इसको ऐसा कह सकते हो डैगर इज नॉट इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसलिए दिस इज नॉट ए हर्मिशियन ऑपरेटर। याद रखिए डैगर और स्टार, एक चीज में और क्लियर कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप नोट भी कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, वो क्या है उसको मैं अभी आपको बता देता हूं, वो बार बार आपके काम आने वाली चीज है। कई बार क्या होता है हम डैगर में स्टार में कंफ्यूज हो जाते हैं। डैगर मोर ब्रॉड वर्ड है, स्टार उसका एक पार्ट हो सकता है, ठीक है ना। डैगर तो क्या होता है, पूरे एक्सप्रेशन पर हम लगाते हैं, जिसके अंतर्गत अगर मान लो सिंपल आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंपली जैसे ए है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका डैगर तो क्या होगा, ए स्टार के बराबर होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑपरेटर है तो इसका मतलब ये नहीं है ए स्टार होगा, इन जनरल ऐसा नहीं होता, हो भी सकता है लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो याद रखिए, तो यहां पर ये ऑपरेटर है, इसका डैगर इसके बराबर नहीं है, लेकिन इसका स्टार जो है वो डी बाई डी एक्स के बराबर ही है। तो स्टार का सिंपल सा मतलब है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जहां माइनस आयोटा है वहां माइनस आयोटा कर दीजिए, चूंकि एक्स में कोई आयोटा का टर्म नहीं है इसलिए दोनों बराबर रहेंगे। तो जो मैंने आपको उधर बताया था मोमेंटम में, वहां पर भी इस प्रकार का वो स्टार हमने साथ लिखा था, तो वहां पर आप उस चीज को समझिएगा, ठीक है ना। इस स्टार में और डैगर में अर्थ समझ जाइए, इन जनरल ए डैगर इज नॉट इक्वल टू ए स्टार, याद रखिए सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। लेकिन कोई अचर है आपका, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका डैगर होगा वो ए स्टार के बराबर ही होगा। उसके डैगर का मतलब ही क्या है, हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख रहे हैं। तो यहां से आपको क्या चीज सिद्ध हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डी बाई डी एक्स इज नॉट ए हर्मिशियन ऑपरेटर। और कैसे प्रूफ करना है वो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया, पूरा लिख करके आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब चलो एक और देखते हैं, एक ऑपरेटर और देख लेते हैं। अब देखते हैं जो हमारा एनर्जी वाला ऑपरेटर था ई, ठीक है ना, टोटल एनर्जी जो थी ई, उस ऑपरेटर का मान क्या था, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, याद कीजिए श्रोडिंगर इक्वेशन में हम जानते हैं साई इज इक्वल टू ई साई, यहां पर एच तो हैमिल्टोनियन था और आपका ई क्या था, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। हम लोगों ने वो सारे ऑपरेटर नोट किए थे उस समय, जब हमने ऑपरेटर का एक बेसिक आइडिया लिया था तब हमने सारे ऑपरेटर नोट किए थे। आपका जो ई के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर था उसका मान क्या था, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो ऑपरेटर है वह भी हर्मिटी ऑपरेटर है। तो सिंपल सा तरीका है हर्मिटी ऑपरेटर प्रूफ करना है, तो चेक क्या करना है, चेक सिंपली आपको ये करना है, साई ई फाई इजिकल टू ई साई फाई, ठीक है ना, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहो तो सिंपली साई स्टार आयोटा एच क्रॉस डेल फाई बाई डेल टी डीटो इजिकल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी स्टार फाई डीटो। ये आपको प्रूफ करना है। इफ वी वांट टू प्रूफ दैट ई इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर देन वी वांट टू प्रूफ दैट, ठीक है ना। यदि
ई एक हर्मिटी संकारक है तब वह निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या यह प्रतिबंध संतुष्ट हो रहा है। अब इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि स्पेशल टेक्निक काम में लेते हैं। इसको ऐसे सीधा आप नहीं कर पाओगे, तो एक टेक्निक क्या काम में लेते हैं, आपको पता है कि ये कोई भी आपके पास वेव फंक्शन हो, ठीक है ना, अब एक सिंगल, यहां पर तो हमने डबल वेव फंक्शन ले लिया, मान लो कोई भी एक सिंगल वेव फंक्शन हो आपके पास साई, उसको लेकर हम चलते हैं। साई कैसा हो, एक सुव्यवहारित तरंग फलन हो। तो आप ये जानते हो अगर हम इस क्वांटिटी साई स्टार साई डी टू, और मैं बाहर कर रहा हूं ऑल स्पेस, ये क्या दर्शाता है कि संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता, जिसका मान एक होता है, या एक तरह से मैं कहता हूं उसका मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक का मतलब क्या है, कांस्टेंट है या नहीं है। इस क्वांटिटी को आप अच्छे से जानते हो, साई स्टार साई डी टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टू होता है। अगर लिमिट ऑल स्पेस है तो संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता जो कि क्या होती है, नियत होती है। तो अगर मैं इस क्वांटिटी का समय के सापेक्ष में क्या कर देता हूं, अवकलन कर देता हूं, तब उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। अगर डेल बाई डेल टी साई स्टार साई डी टू, तो इधर कॉन्स्टेंट का भी करूंगा डेल बाई डेल टी, उसका मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अब हम यहां से शुरू होंगे, समझ गए चीज को। ये हमने एक पॉइंट ले लिया क्योंकि इसको करने के लिए हर टॉपिक को या डेरिवेशन को करने की अपने आप एक स्पेशल टेक्निक होती है, तो इसको करने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट काम में लेना पड़ेगा। आप यहाँ लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, मैं पहले लिख देता हूँ एक और ऊपर। यदि साई एक सुव्यवहारित तरंग फलन हो तब संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता समय के सापेक्ष नियत होगी, जिसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिख दीजिए आप ऑल स्पेस, और उसका डीएल बाई डी एल टी करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो अब इसको आगे करते हैं, हम वो एक संबंध लेके आते हैं किस प्रकार से लाना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साफ करता हूं, स्पेस बना लेता हूं, और फिर पूरा डिटेल में आपको लिख करके बता देता हूं। तो देखिए आपके पास क्या एक्सप्रेशन है, डेल बाई डेल टी साई स्टार साई डी टू इजिकल टू जीरो, ये आपके पास है, आप इस चीज से जानते हो। तो चलो इसका स्टार करोगे तो क्या होगा, डेल बाई डेल टी करोगे, देखो एक बार तो हो जाएगा इस तरह से साई एज इट इज डी टू प्लस एक बार साई स्टार एज इट इज डेल साई बाई डेल टी डी टू इजिकल टू जीरो। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों को माइनस आयोटा एच क्रॉस से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस आयोटा एच क्रॉस, तो उससे क्या होगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार बाय डेल टी साई टी टू, यहां पर भी आपको करना पड़ेगा माइनस आयोटा एच क्रॉस प्लस माइनस आयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल साई बाई डेल टी डी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो वापस वही, सिर्फ मैं जमा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी ये साई ये स्टार, तो इसका स्टार खोल के देखो आप, माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस आयोटा, इसका आप स्टार खोलो तो माइनस आयोटा एच क्रॉस ये आ गया माइनस आयोटा एच क्रॉस, और डेल बाई डेल टी का टी पर भी क्या होता है स्टार, डेल बाई डेल टी का स्टार और डेल बाई डेल टी दोनों सेम होते हैं, तो डेल बाई डेल टी और साई का साई स्टार, तो इसको ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं दोनों सेम चीज है, सिंपल मैथमेटिक्स है, आप करके देख लीजिए, मैंने सिर्फ एडजस्ट किया, और ये साई तो एज इट इज है और ये डी टू, फिर ये माइनस में ऐसा कैसे रखता हूं, ये साई स्टार है और इसको आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी यहां रख देता हूं और ये साई डी टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। यहां पर स्टार नहीं तो आयोटा एच क्रॉस एज इट इज चला गया, ये माइनस को मैंने बाहर रख दिया, और यहां पर आपके स्टार है तो जब इसको ओपन करोगे तो वापस माइनस आयोटा एच क्रॉस आएगा। अब आपको पता है ये क्या ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है, ई है, ये भी ई है, तो चलो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई साई स्टार साई डी टू, अब मैं अगर उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा इधर साई स्टार ई साई
डीटो, और ये कंडीशन किसकी है? हैमिल्टोनियन संकारक है कि नहीं, आप जानते हो कि नहीं जानते हो कि कोई भी ऑपरेटर हैमिल्टोनियन और हर्मिटी तो उसका क्या होता है, ए साई स्टार, आप साई फाई कुछ भी लिख लो, सेम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डीटो इज इक्वल टू साई स्टार ए साई डीटो, सेम वो कि वो कंडीशन आ गई। तो चूंकि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है इसलिए आप क्या लिख दोगे कि जो ई है आपका कैसा है, हर्मिटी ऑपरेटर है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, दो अलग अलग वेव फंक्शन, आप एक सिंगल वेव फंक्शन भी लेकर के कर सकते हो। कंडीशन ये रहनी चाहिए कि उसमें इस प्रकार की जो शर्त है वो फुलफिल होनी चाहिए कि एक बार वेव फंक्शन के स्टार के साथ ए को लिखिए, एक बार बिना स्टार के साथ ए को लिखिए, और आप इस तरह से इंटीग्रेशन को चेक कीजिए, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तब जो गिवन ऑपरेटर है आपका वो कैसा हो जाएगा, हर्मिटी ऑपरेटर हो जाएगा। तो ये मैंने पूरा डिटेल में आपको करके बता दिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से इसको करना है। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से चार जो फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी है, फिजिकल मेजरेबल तो नहीं, जो चार अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर है, उनको हमने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि क्या वो हर्मिटी ऑपरेटर है या नहीं, जिसमें आपके पोजिशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, डी बाई डी एक्स और एनर्जी, और भी आपके बुक में दे रखा है, आप आराम से उसको देखिए, करने का प्रयास कीजिए, तरीका बस यही है, ठीक है ना। और कुछ स्पेशल टाइप के जैसे स्पेशल प्रकार से इसको करना है, आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए, इसको ऐसे करना है तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई मेथड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड जो चीज होती है उसको स्टैंडर्ड तरीके से ही किया जाता है, और बाकी उनको हमने नॉर्मल तरीके से भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक न्यूमेरिकल इसमें और देख लेते हैं ताकि आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए, फिर मैं ये मान के चलूंगा कि हर्मिशियन ऑपरेटर में आपको कोई दिक्कत नहीं है, और उसके अलावा भी कोई आप प्रैक्टिस करो अपने आप से, ठीक है ना। बीएससी के एग्जाम में तो इससे बाहर कुछ जाना है नहीं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से अगर आप कोई प्रैक्टिस करते हो तो कॉन्सेप्ट अगर आपके साउंड है, आपने ढंग से लेक्चर को सुना है समझा है, तो कोई क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत होगी नहीं। उसके बावजूद भी अगर होती है तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म ओपन है, कमेंट बॉक्स के थ्रू या कोई भी आपके पास अदर कम्युनिकेशन मीडिया है उसकी सहायता से आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूं, ठीक है ना, ताकि उसको हम देख लेते हैं उसको कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन है आपके पास, 1 + iota ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर प्लस 1 - iota बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, ये आपके पास एक संख्या, मैं देख लेता हूं एक बार, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि इस प्रकार का कोई आपको कोई व्यंजक या एक्सप्रेशन दे रखा है और आपको कह रहे हैं कि जहां ए और बी दोनों क्या है, हर्मिटी ऑपरेटर, क्या है, हर्मिटी ऑपरेटर, ए और बी दे रखा है, तो आपको यह सिद्ध करना है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है या ये जो गिवन पूरा ऑपरेटर, ये एक प्रकार से ऑपरेटर ही तो है, ये गिवन ऑपरेटर जो है वो भी हर्मिटी संकारक होगा। आपको क्या दिया गया है, गिवन क्या है, ए एंड बी आर हर्मिशियन ऑपरेटर, ये आपको गिवन है, और आपसे पूछा है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन या ऑपरेटर है वो हर्मिटी ऑपरेटर है, आपको सिद्ध करना है। तो हर्मिटी ऑपरेटर के लिए क्या सिंपल सा तरीका है कि कोई भी ऑपरेटर हर्मिटी ऑपरेटर है या नहीं, उसके लिए क्या चेक करोगे आप कि उसका डैगर निकालिए, और अगर वो सेम वैसा का वैसा आ रहा है जो एक्चुअल में ऑपरेटर दे रखा है, तब आप कह दोगे वो क्या है, हर्मिटी ऑपरेटर है। तो हमने इसका निकाल लिया डैगर। अब डैगर की जो आपने जो एडजॉइंट होता है उसकी प्रॉपर्टी आप याद कीजिए, वो 3, 4, 5 जो प्रॉपर्टी लिखी थी उसका यूज कीजिए, अपना आप आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ए प्लस बी का डैगर कैसे लिखा था, ए का डैगर प्लस बी का डैगर, तो इस पूरे का डैगर प्लस इस पूरे का डैगर, तो ये लीजिए 1 + iota ए बी इस पूरे का डैगर प्लस 1 - iota बी ए इस पूरे का डैगर। अब इसका कीजिए तो कॉन्स्टेंट है, तो इसका डैगर तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसका डैगर करोगे तो सिंपली देख लेंगे क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, बी डैगर ए डैगर, क्योंकि जब इस पर लगाओगे तो रिवर्स हो जाएगा, प्लस 1 - iota का डैगर, और फिर इसका हो जाएगा ए डैगर और बी डैगर, ए पहले बी बाद में। अब कॉम्प्लेक्स का डैगर करते हो सिंपली क्या होता है, iota माइनस iota में कन्वर्ट होता है, तो ये लीजिए। और चूंकि ए और बी आपके क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, ए डेगर इज इक्वल टू ए एंड बी डेगर इज इक्वल टू बी, आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां से लिख दीजिए बी डेगर इज इक्वल टू बी और ए डेगर इज इक्वल टू ए, इसका हो जाएगा 1 + iota हो जाएगा, और ये ए और ये बी। अब आप चेक कर लीजिए, ये वापस वही आ गया, 1 + iota ए बी, 1 + iota ए बी प्लस 1 - iota बी ए, ये सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो गिवन ऑपरेटर है वो आपका कैसा है, हर्मिटी संकारक है। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए, इंटीग्रल मेथड से भी किए जा सकते हैं, और इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दे तब आप ऐसे भी कर सकते हो। तो
मेरे हिसाब से ये अच्छे से आपकी क्लियर हो गया होगा और काफी हद तक हमने काफी न्यूमेरिकल भी कर लिए, तो हर्मिटिक संकारक वाला टॉपिक में ये मान के चल रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया। जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स आपने सीखे हैं उनका आप नोट करते चलिए। वैसे हर्मिटिक संकारक से रिलेटेड कई ऑब्जेक्टिव टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आगे जब हम टॉपिक करेंगे तो आपको अपने आप मिलते जाएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से पढ़िए समझिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हर्मिटी संकारक से रिलेटेड दो थ्योरम्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, दो प्रमेय पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है और वो कॉन्सेप्ट के रूप में भी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन उससे पूछे जाए उसकी संभावना भी बहुत ज्यादा है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।